हार के बाद पाकिस्तान में हाहाकार, वर्ल्ड कप टीम में बड़ा बदलाव। 6 मैच में 38 विकेट लेने वाला गेंदबाज आएगा भारत। पाकिस्तान टीम का प्रदर्शन एशिया कप 2023 में बेहद खराब रहा है। बाबर आजम की अगुवाई में टीम को भारत के बाद श्रीलंका से भी हार मिली। पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तान के स्पिनर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके। ऐसे में वर्ल्ड कप 2023 के लिए टीम में एक खूंखार गेंदबाज को जगह मिल सकती है। बाबर आजम की अगुवाई में पाकिस्तान की टीम को एशिया कप 2023 शुरू होने से पहले खिताब का दावेदार माना जा रहा था। पाकिस्तान की टीम वनडे रैंकिंग में टॉप पर थी, लेकिन टूर्नामेंट में टीम का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। टीम फाइनल में भी जगह नहीं बना सकी और सुपर फोर में पाकिस्तान को भारत और श्रीलंका दोनों से हार मिली। 5 अक्टूबर से हो रहे वर्ल्ड कप 2023 की बात करें तो अभी पाकिस्तान की टीम घोषित नहीं हुई है, लेकिन एशिया कप में उतरने वाले खिलाड़ियों को जगह मिल सकती है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, टीम में लेग स्पिनर अबरार अहमद को शामिल किया जा सकता है। उन्होंने 6 टेस्ट में 38 विकेट लिए हैं और उनके पास वनडे का कोई अनुभव नहीं है। पहली बार वनडे वर्ल्ड कप के पूरे मुकाबले भारत में खेले जाने हैं। समा टीवी के अनुसार बाबर आजम और चीफ सेलेक्टर इंजमाम उलक की बैठक के बाद अबरार अहमद को टीम में शामिल करने पर सहमति बनी। 1-2 दिन में वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की टीम घोषित हो सकती है। एशिया कप में पाकिस्तान के स्पिन गेंदबाज कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सके, खासकर उपकप्तान शादाब खान। इस कारण टीम मैनेजमेंट पर एक स्पिनर को टीम में रखने का दबाव है। जानकारी के अनुसार अबरार अहमद अभी पाकिस्तान के घरेलू फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट में उतर रहे हैं। वर्ल्ड कप को देखते हुए उन्हें आगे के मुकाबले न खेलने की सलाह दी गई है। एशिया कप 2023 की बात करें तो उपकप्तान और लेग स्पिनर शादाब खान का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। वे 5 मैच में 41 की औसत से 6 विकेट ले सके, इकोनॉमी सिर्फ 6 के करीब रही। वहीं ऑफ स्पिनर इफ्तिकार अहमद ने 4 तो बाएं हाथ के स्पिनर मोहम्मद नवाज ने सिर्फ 1 ही विकेट लिया। वर्ल्ड कप भारत में होना है, ऐसे में स्पिन गेंदबाज यहां अहम रहने वाले हैं। लेकिन 25 साल के लेग स्पिनर अबरार अहमद के पास लिस्ट ए क्रिकेट का भी अधिक अनुभव नहीं है। उन्होंने 12 मैच में 26 की औसत से 17 विकेट लिए हैं, 25 रन देकर 3 विकेट बेस्ट प्रदर्शन है। वहीं ओवरऑल T20 के 21 मैच में 22 विकेट झटके हैं। अबरार ने पाकिस्तान की ओर से अब तक सिर्फ 6 टेस्ट मैच खेले हैं, 114 रन देकर 7 विकेट बेस्ट प्रदर्शन है। 2 बार 5 और 1 बार 10 विकेट भी लिए हैं। पाकिस्तान की टीम 1992 के बाद से वर्ल्ड कप का खिताब नहीं जीत सकी है। ऐसे में कप्तान बाबर आजम से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उम्मीद है। बाबर अभी वनडे में दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन है। हालांकि तेज गेंदबाज नसीम शाह के चोटिल होने से टीम की तैयारियों को करारा झटका लगा है। नसीम पूरे वर्ल्ड कप से भी बाहर हो सकते हैं।